हेलो गाइस, मैंने वन प्लस का एक फोन ऑर्डर किया था और इसके साथ में मेरे को एक चीज मिला जो कि मैंने वहां पर ऑर्डर करने के टाइम मेरे को एक चीज यहां पर ऑप्शन मिला था कि एक गिफ्ट आपको साथ में इसका मिलेगा। तो ऑर्डर करने पर मैंने वो सिलेक्ट करके ऑर्डर कर दिया था, तो उसके साथ में मेरे को मिला ये वाला एक गिफ्ट। और ये एक्चुअल में क्या गिफ्ट है, पैकमैन लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर और ब्रांडिंग वन प्लस का दिया गया हुआ है, और इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। तो ये क्या है इसके अंदर, और एक्चुअल में वो चीज़ भी मेरे को मालूम नहीं है, और मैं इसका सीधा लाइव आपके सामने अनबॉक्स करता हूँ और देता हूँ एक्चुअल में इसके अंदर है क्या। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर बॉक्स आप देख सकते हैं, जैसे कि पैकमैन यहाँ पर लिखा हुआ है और ये थोड़ा कलरफुल है, आरजीबी वाला कलर का फील दे रहा है, और यहाँ पर वन प्लस का ब्रांडिंग दिया गया हुआ है। और इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, दिस इज नॉट ए चिल्ड्रेन टॉय, यहाँ पर भी लिखा हुआ है नॉट फॉर चिल्ड्रेन अंडर 14 ईयर्स, तो ये भी चीज़ यहाँ पर मैंशन किया गया हुआ है। और पैकमैन, जैसे कि ये पैकमैन तो एक गेम है एक्चुअल में, तो गेम है तो ये पैकमैन जैसे कि बच्चों की खेलने का गेम होता है, तो इसमें ये नॉट फॉर चिल्ड्रेन क्यों लिखा हुआ है ये हमको भी मालूम नहीं है। नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि वन प्लस नॉट टू, ठीक है ना, ये एक्चुअली वन प्लस नॉट टू मैंने ऑर्डर किया था और उसके साथ मेरे को ये, अच्छा ये पैकमैन फ़ोन होल्डर है भाई, ये पैकमैन का फ़ोन होल्डर है, फ़ोन स्टैंड, तो यहाँ पर ये मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ़ोन होल्डर है। और एमआरपी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे देख सकते हैं नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये सेल करने के लिए होता तो यहाँ पर इसका एमआरपी लिखा हुआ आता है। तो हालांकि ये फ़ोन के साथ ये गिफ्ट में आया था, तो अभी इसका गिफ्ट है अवेलेबल या नहीं वेबसाइट में आप चेक कर लीजिएगा, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये वन प्लस स्टोर से हमने इसको ऑर्डर किया था वेबसाइट में जाके, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं इसके बॉक्स के अंदर इस तरीके का होल्डर हमें दिखने को मिलता है। तो इसको काट लेते हैं, काटने के बाद ये एक प्लास्टिक का टुकड़ा यहाँ पर हमें दिख रहा है, डॉट 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 दिखा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, ये पैकमैन का जो गेम का कैरेक्टर होता है वही लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर इसका कुछ ब्लॉक्स हैं आप देख सकते हैं, और क्या है इसमें, और एक यूज़र मैनुअल है। अच्छा, ये यूज़र मैनुअल काम में आ सकता है, तो इसको देख के हम इसमें ये असेंबल कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको। तो ये तो एक्चुअल में मेरे को मालूम नहीं किस तरह असेंबल किया जाता है, तो इसको देख देख के करना पड़ेगा, तो फटाफट से हम इसको असेंबल करते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनको कर देते हैं साइड में, ये बॉक्स हमारा काम का नहीं है अभी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं, ये प्लास्टिक जो है ना ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ऐसा लो क्वालिटी वाला प्लास्टिक नहीं है, ये काफ़ी अच्छा क्वालिटी में ये प्लास्टिक यहाँ पर दिया गया हुआ है ये। और उसके बाद करते हैं इसको ओपन, देखते हैं साइड में, इसको भी खोल लेते हैं। तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये वाला तो हमने खोल के यहाँ पर रख दिया, अभी इसका 1x 7x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हो गया शायद 1x, नहीं पहले इसको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। अच्छा, अभी हमको समझ में आया एक्चुअल में यहाँ पर ये 1x और 7x यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, जैसे कि ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सिंपल भी यहाँ पर दिया गया हुआ है, अब इसको कैसे इसको फिटिंग करना है, और 7x मतलब यहाँ पर 7, हमको इस तरीके से इस एक के ऊपर एक यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 लगा देंगे हम एक के ऊपर एक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वाला लगा देते हैं, ये कितने नंबर पे आएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ से शुरू कर देते, तो काउंटिंग में ये करने का 2 छोड़ के हमें लगाना पड़ेगा भाई, जब इसका फिटिंग्स यहाँ पर काफ़ी मजबूत है अगर इस तरीके से आप लगाते हैं भी हैं। चलिए फटाफट से इनको लगा देते हैं यहाँ पर,
तो यहाँ पर हमने 7 पीस लगा दिया। अभी उसका ठीक बगल में हमको लगाना पड़ेगा उससे 1 पीस, मतलब 6 पीस लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमने ये व्हाइट वाला उसके ऊपर हमने इसी तरीके से यहाँ पर प्लेस कर दिया है। आप देख सकते हैं अभी काफी अच्छा लग रहा है देखने पे। और अभी जो यहाँ पर कुछ पीसेस बाकी हैं तो इनको कहाँ पर फिटिंग्स करना है देख लेते। ये जो प्लस का सिंबल है ये हमको एक लगाना है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे इसका सीधा यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है, तो ये जो लाइन है कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर बिठा देंगे। हाँ तो गाइस हमने कर लिया इसको पूरा फिटिंग्स। काफी दिक्कत लगा हमें इसको फिटिंग करने पर। इसका जो मेजरमेंट है वो कैटलॉग के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसीलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पर। और फाइनली रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये जो है पैकमैन जो कि यहाँ पर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते यहाँ पर कौन पहले जा रहा है, तो ये पूरा गेम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। और ये एक्चुअल में फोन होल्डर है, और आपको देखने पर मालूम नहीं पड़ा ये किस तरीके का फोन होल्डर है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरा फोन है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर होल्ड करके रख सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो ये काफी एक अच्छा लुक है यहाँ पर इसको दिखने को मिलता है आपको। सो गाइस बस यही था आपको दिखाने के लिए, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आपको चाहिए इस तरीके का फोन होल्डर फ्री में, तो आप वन प्लस के स्टोर से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने चेक नहीं किया अभी ऑफर अवेलेबल है या नहीं, आप चेक कर लीजिएगा वन प्लस का वेबसाइट में जाके। सो चलिए गाइस वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं।